जियोना। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल जियोना म्यूजिक। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मेरे पहले इंट्रोडक्शन व्लॉग के बाद अब ये मेरा दूसरा व्लॉग है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडियोज को कैसे साउंड प्रूफ किया जाता है। तो मैं अपने स्टूडियो की सारी पिक्स, जब मैं ये स्टूडियो बना रहा था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरी आने वाली वीडियो के अंदर। भी ये वीडियो पूरी देखिए। और मैं कौन से इक्विपमेंट्स यूज करता हूँ म्यूजिक बनाने के लिए, मेरा कितना एक्सपेंसेस आए हैं ये स्टूडियो को मतलब पूरा डिजाइन करने के लिए। एक रूम था ये काफी बड़ा, तो मैंने इसको कैसे डिजाइन किया, कैसे इसको बनाया, क्या क्या मैंने साउंड प्रूफिंग मटीरियल यूज किए, तो देखते रहिए पूरी वीडियो, बहुत मजा आने वाला है। तो ये दोस्तों एक मेरा रूम था जिसमें मैंने डबिंग रूम बनाने के लिए ये पार्टीशन किया, एक कंक्रीट की वॉल मतलब बनाई। तो ये बाहर से उसका आउटर लुक है, वो अंदर डबिंग रूम है और ये वाला मॉनिटर रूम है। तो ये आप देख रहे हैं जो मैंने वुडन की फ्रेमिंग की है सारी रूम में, अंदर भी और बाहर भी ऊपर भी, ताकि मैं आराम से इसमें रॉक वूल इंस्टॉल कर सकूं। और साथ ही मैंने लाइटों के लिए जो ऊपर एलईडी लाइट्स लगानी है उसके लिए भी मैंने वुडन के ब्लॉक्स बनवाए हैं ताकि प्रॉपरली इंस्टॉलेशन हो सके, कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए मैंने प्रॉपरली वायरिंग करवाई है एलईडी लाइट्स के लिए, मतलब पूरी तरह से इजी काम हो गया मेरा ये। उसके बाद में ये देख रहे हैं बैग्स हैं, जो ये 15-16 बैग्स थे जिसमें रॉक वूल थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि रॉक वूल के जो पीसीज हैं वो इक्वल शेप के हैं, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं आई इनको कटिंग करने में, ये इनकी प्रॉपर शेप बनी होती है। और फिर मतलब मैंने डायमेंशन ली, जितनी इसकी चौड़ाई है रॉक वूल की उतनी ही चौड़ाई के ऊपर मैंने ये वुडन के पीसीज लगाए हैं ताकि ये आराम से पूरे रूम में इंस्टॉल हो जाए, मुझे कोई कटिंग नहीं करनी पड़ी, मैंने आराम से इनको इंस्टॉल करवा लिया। ये देखिए आप देख रहे हैं कि मैंने सारे रूम में रॉक वूल इंस्टॉल करवा ली है, छत के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, बहुत इजीली ये इंस्टॉल होगी, मुझको कोई कटिंग नहीं करनी पड़ी इसके लिए। उसके बाद में मैंने आरपी टिश्यू लगाया इसके ऊपर ताकि जो रॉक वूल के रेशे होते हैं वो बहुत चुभते हैं, अगर कपड़ा लगा दूं मैं ऐसे ही इसके ऊपर आरपी टिश्यू नहीं लगाऊंगा तो उसके जो रेशे हैं मुझको काफ़ी ज़्यादा चुभेंगे। सो मैंने आरपी टिश्यू इसलिए लगाया ताकि इजीली इसके ऊपर कपड़ा लगा दूं तो कोई रेशा बाहर ना आए और मुझको या कोई भी यहाँ पे बैठकर अगर टच करता है वॉल को तो उसको कोई भी जलन या खुजली ना हो। फिर मैंने उसके ऊपर एक कपड़ा लगवा लिया अपने पसंद का, आप अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा चूज करके डिजाइनिंग कर सकते हैं अपनी पसंद की। और उसके बाद में देखिए सारे रूम में कपड़ा लगने के बाद ये कितना सुंदर लगने लग गया, ये प्रॉपरली साउंड प्रूफ हो चुका है, डोर्स लग चुके हैं इसको और ये बहुत अच्छा एक लुक दे रहा है। तो यहां से स्टार्ट होता है मेरे स्टूडियो का टूर। ये बनने के बाद ऐसा कुछ तैयार हो गया, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक आई है जो मुझे अच्छी लगी, आप इससे भी अच्छा तैयार कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो साउंड मोनिटर्स मैं यूज़ करता हूँ ये हैं HS8, यामा का ब्रांड है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी, मैं मिक्सिंग भी इनमें ही करता हूँ और प्रोडक्शन के लिए भी ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये है टेस्कैम का ऑडियो इंटरफेस जो साउंड कार्ड है और ये 2x2 का है, बहुत ही शानदार क्वालिटी की वोकल्स रिकॉर्ड होती हैं इसके थ्रू जब मैं माइक से रिकॉर्ड करता हूँ। और ये साथ में जो पड़ा एक डायनेमिक माइक है, नॉर्मल सा माइक है, मतलब जिससे मैं अंदर कोई भी आर्टिस्ट है, मतलब कोई रिकॉर्डिंग किसी की भी चल रही है, डबिंग कर रहा हूँ तो मैं उससे इजीली कम्युनिकेट कर सकूँ, बिकॉज यहाँ से तो आवाज़ अंदर नहीं जाएगी, तो उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए मैंने ये माइक रखा है। और ये एक नॉर्मल सी स्क्रीन है, एलईडी स्क्रीन है, आप कोई भी स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी कोई भी एक नॉर्मल सी यूज़ किया है, अभी मैं एडिटिंग करूँगा तो मुझको उसके लिए एक प्रोफेशनल सी स्क्रीन चाहिए होगी। ये है मेरा मैक मिनी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं,
काफी टाइम पहले मैंने लिया था, ये i5 है, 8 GB रैम है इसकी और 1 TB इसमें हार्ड ड्राइव लगी हुई है। और ये है मेरा कीबोर्ड, कैसियो का कीबोर्ड है ये, मिडी थ्रू USB है इसकी और बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। ये ओवरलुक है पूरे टेबल की मेरे, आप देख सकते हैं। ये टेबल भी मैंने एक अपने किसी ढंग से डिजाइन किया था, क्या सोच के डिजाइन किया था मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके लिए भी प्रॉपर एक साइंस होती है, अभी इसको ऐसे क्यों डिजाइन करना चाहिए। ये एक नॉर्मल सी चेयर मैंने रखी हुई है, आप चलो इसका तो इतना बड़ा यूज नहीं है, लेकिन अगर आपने काफी लंबी सिटिंग है तो आपको एक अच्छी चेयर चाहिए जिसके ऊपर आप थके ना, आप कोई भी चेयर यूज कर सकते हैं अच्छी। और अगर स्टूडियो है उसमें हारमोनियम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये मेरा कम से कम 10-12 साल पुराना हारमोनियम है और मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार है और इसकी टोन बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, बहुत अच्छी ट्यून है इसकी। आपको अपने स्टूडियो में AC लगाना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो गर्मी से पागल होने वाले हैं आप। इस AC की जो ड्रेन पाइप है या आउटर यूनिट का जो भी है कंप्रेसर की पाइप है, मैंने इस वॉल है उसमें सुराख करके, ये पीछे बालकनी है मेरे फ्लैट की उसी में मैंने एडजस्ट करवा दिया ताकि अंदर कोई इसकी पाइप वगैरह ना दिखे। ये एक हैंगिंग लाइट मैंने लगाई अपने टेबल के साथ जो एक फोकस करती है और बहुत शानदार फील देती है। आप कुछ भी लगा सकते हैं अपनी डेकोरेशन के लिए, कुछ भी लगा सकते हैं अच्छी सी लाइट्स। और जब भी मैं म्यूजिक बनाता हूँ एक अच्छा फील मुझे चाहिए, सारी लाइट्स मैं बंद करके सिर्फ ये चलाता हूँ और एक मजे से कोई भी अच्छा सा मेलोडी या कोई अच्छा गाना तैयार करता हूं और इससे बहुत फील आता है। अब चलते हैं अपने डबिंग रूम की तरफ। ये है मेरा रोड NT1 माइक और ये बहुत एक शानदार माइक है। पंजाबी वोकल रिकॉर्ड करने के लिए तो आई थिंक मुझे इससे बेटर माइक कोई नहीं मिला। बहुत ही ज्यादा वाइड सुनाता है और अच्छी रिकॉर्डिंग करता है, क्लीन वोकल्स। ये इसका एक स्टैंड है, स्टैंड भी बहुत ही अच्छा एक डिजाइन है। आप कोई भी स्टैंड ले सकते हैं जो माइक, जिसमें आप माइक लगा सकें। और ये जो आप देख रहे हैं ये वायर्स, ये HDMI केबल है और साथ में इसके पावर केबल है। ये मैंने पहले ही इंस्टॉल करवा ली थी जब मैं स्टूडियो बना रहा था ताकि बाद में मुझे कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे मैंने स्क्रीन लगानी है, TV LED स्क्रीन लगानी है जिसके साथ मैं ये अपने सिस्टम के साथ अटैच कर दूंगा इसको। और ये पावर केबल है जिसका स्विच ये नीचे है, आप देख सकते हैं, और आराम से यहाँ पे मेरी एक LED स्क्रीन लग जाएगी। और ये मेरा एक टायर वाला हैंगिंग लाइट है, बहुत अच्छी लगती है मुझको ये। आप कोई भी लगा सकते हैं यार अपनी मर्जी से, मतलब कुछ भी आपको अच्छा लगे। ये जो नीचे आप देख रहे हैं मैंने एक स्पेशली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले के पास जाकर ये बोर्ड बनवाया था जिसमें मैं हेडफोन्स लगा सकूं। ये हेडफोन की सॉकेट बनवाई है मैंने, 4 हेडफोन्स लग सकते हैं। और ये साथ ही में ही मैंने माइक की एक्स्ट्रा केबल्स पहले से ही इंस्टॉल करवा लिया ताकि अगर एक केबल ख़राब हो जाए तो दूसरी या तीसरी मैं यूज़ कर सकूँ आराम से, कोई मुझे कोई दिक्कत ना हो। ये इसका आउटर व्यू है यहाँ से। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये फटा हुआ है, हाँ एक्चुअली मुझको भी ये गंदा लग रहा है फटा हुआ। एक्चुअल में ये जो मैंने टफन ग्लास लगाया है इसमें अभी मॉइस्चर आ रहा है, ये जो अंदर से और बाहर से मैंने डबल टफन ग्लास है, 10 mm के 2 ग्लास लगाए हैं, इसमें मॉइस्चर आ रहा है, ये निकलवा कर साफ करना है। और उसके बाद में जब इसको साफ करवा दूंगा तो इसके जो ये कपड़ा लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये फटा हुआ है, इसके फिर मैं पूरे चारों तरफ एक फ्रेमिंग करवानी है, मैंने वुडन की फ्रेमिंग करवानी है ताकि ये बहुत अच्छा लगेगा उसके बाद में। और साथ में ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ये मुझको खुद को बहुत गंदा लग रहा है, बिकॉज ये जो
लेबर वाले थे जिन्होंने ये काम किया है, एंडिंग पॉइंट था इनका, इन्होंने ये बहुत मतलब जल्दी जल्दी में गंदा गंदा करके लगा दिया और मुझको ये खुद भी अच्छा नहीं लग रहा ये कपड़ा। ये सारे रूम का जो सेंटर वाली ये स्ट्रिप है ये मैं उतरवा दूंगा और इसकी जगह पे मैं सोच रहा हूँ कुछ मैं वुडन का या कुछ लेदर का लगवाऊँ पूरे रूम में, जस्ट बिकॉज एक अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। इससे होने वाला कुछ नहीं है, मीन्स अच्छा लगता है, इसका आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी रिकॉर्डिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने अभी मेरा सारा स्टूडियो देखा, आपको अच्छा लगा होगा मुझे उम्मीद है, आपने मेरे स्पीकर्स वगैरह सब कुछ देख लिए हैं, स्टूडियो भी देखा है और जो जितने भी आपने फोटोग्राफ्स देखी हैं आपने भी कैसे बना था ये, कैसे रूम था, कैसे कैसे बना। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं इनके प्राइस के बारे में, तो अभी का प्राइस मुझको इनका नहीं मालूम, ये स्पीकर्स अब इसका क्या कॉस्ट होगी आप गूगल के ऊपर देख सकते हैं भी, आप अमेजोन के ऊपर या कहीं भी डीलर्स जो ये सेल करते हैं हम उनसे बात कर सकते हैं भी आज का इनका प्राइस क्या है। मैंने ये इनको तकरीबन 3 साल पहले खरीदे थे ये सारे इक्विपमेंट्स। स्टूडियो के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, अभी स्टूडियो के अगर आपने पूछना है, डिमेंशंस पूछनी है, अभी हमारे पास ऐसा रूम है कैसा होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपने सारी ये साउंड प्रूफिंग ही करनी है, अगर आप अकोस्टिक फोम भी यूज कर सकते हैं। वो मैं एक मिनट दिखाता हूं आपको, ये मेरे पास पड़ी है, ये एकोस्टिक फोम है, आप कहीं से भी अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी या कहीं शॉप से भी मंगवा सकते हो। अब ये सिंपली आपने SR होता है, SR से ये पेस्ट कर देनी है वॉल के ऊपर। ये क्या करती है, इसका मेन काम क्या है, ये आपकी सारी इको रोक देती है, जितनी भी आपके रूम में इको आ रही है ना, जब आपको म्यूजिक प्रोड्यूस करना होता है तो आपको ये चाहिए होता है कि सबके सब साउंड बिल्कुल टाइट हो जाए, क्योंकि बिल्कुल एक्सटर्नल वॉइस या इको ना आए आप जब भी गाना बना रहे हो, तो ड्राई वोकल्स ड्राई सब कुछ होना चाहिए। तो ये भी लगा सकते हो, मेरा जो पहले स्टूडियो था मैंने उसमें यही चीज लगाई हुई थी। एंड साउंड प्रूफिंग अगर आपने आपके पास बजट है तो आप कर सकते हैं, तो इतना ज्यादा बजट भी नहीं है, मतलब आप इतना ज्यादा बजट भी नहीं लगता इसको स्टूडियो को सेटअप करने में, हाँ लगता है, पर इतना ज्यादा भी नहीं, अगर आप थोड़ा दिमाग से चलेंगे, खुद डिजाइन करेंगे। हाँ अगर आप स्पेशल जाएंगे किसी जो साउंड प्रूफिंग करते हैं, स्पेशल इनके भी होते हैं बंदे होते हैं जो साउंड प्रूफिंग वाले होते हैं, साउंड इंसुलेशन करते हैं, है ना, जैसे वो बड़े बड़े थिएटर्स बनाते हैं, स्टेडियम्स ऑडिटोरियम्स बनाते हैं, स्टूडियोज भी बनाते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा सामान, उन्होंने भी यही यूज करना है, लेकिन आप थोड़ा अपने ढंग से चीजें करिए तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये स्टूडियो कैसे लगा, आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं वो भी मुझसे पूछिए तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए व्लॉग में, थैंक यू दोस्तों।